नहीं चला जाता। माँ कैसी हो तुम, पहली बार वो घर पे आए हैं और तुम? हाँ हाँ, बुरा नहीं माना बेटा, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। आप आइए मेरे साथ। जाओ बेटा। आइए। रेनू, जानती हो आप क्या कहेंगे, यही ना कि मैंने आपका परिचय कॉलेज का दोस्त कहकर क्यों दिया। आज मैं आपको सब कुछ बताती हूँ आनंद बाबू। मेरे बड़े भाई थे, बड़े ही होनहार, उनको लेकर माँ बाबूजी न जाने क्या क्या सपने देखा करते थे। भैया विलायत जाएंगे, एक बड़े इंजीनियर बनेंगे, इसके लिए और बहुत रुपयों की जरूरत थी। सो पिताजी बड़ी तनख्वाह पर अफ्रीका चले गए। मैं उन दिनों नई नई कॉलेज पहुंची थी, कुल 3 ही साल तो हुए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे एक युग बीत गया हो। सब कुछ ठीक से चल रहा था, पिताजी का खत आता था, रुपए आते थे, भैया दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते थे, घर सुख और शांति से भरपूर था। अचानक एक दिन भैया कॉलेज से बुखार लेकर आए, 15 दिन बेहोश रहकर, और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। माँ तो पत्थर हो गई, बाबूजी खबर पाते ही रवाना हो गए, लेकिन भाग्य तब तक हमसे रूठ चुका था। बाबूजी जिस प्लेन से आ रहे थे वो पहुंचा ही, रास्ते में ही गिर पड़ा। आनंद बाबू, माँ को सिंदूर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, उनका दिल पहले से ही कमजोर था। डॉक्टर साहब ने कहा वो ये दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, कभी नहीं कर पाएंगी। फिर तो कितने ही तूफान आए और चले गए, घर गिरवी रखना पड़ा, मुझे नौकरी करनी पड़ी, माँ को कुछ पता नहीं, उससे कहती हूँ, पढ़ रही हूँ, खुद लिखती हूँ और बाबूजी का खत कहकर सुना देती हूँ, तनख्वाह हाथ पे रख देती हूँ, कहती हूँ बाबूजी ने रुपए भेजे। अभिनय, अब तो सारा जीवन अभिनय बनकर ही रह गया। कभी कभी सोचती हूँ कि बस अब और नहीं होगा, क्या बता सकते हैं, भगवान ने इतना बड़ा बोझ ये अभिनय मेरे सर पर क्यों ला दिया। रेनू, ये जीवन ही एक नाटक है जिसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी भूमिका दी है तो सिर्फ इसलिए उसे तुम पर भरोसा है, विश्वास है। लेकिन आज तुमसे मैंने एक बात सीखी है कि वो झूठ सच से 1000 गुना बड़ा है, जो किसी दुखी को शांति दे, सुख पहुंचाए। ओ, तो नंदू ने तुम्हें भेजा है, तुम्हें स्कूल के काम के बारे में कुछ मालूम है? जी हाँ, जिसके साथ मेरा मतलब है कि जिसके साथ मेरा वो चल रहा है ना, वो भी आप ही की तरह मास्टर नहीं। बस बस ठीक है, 150 रुपये तनख्वाह मिलेगी, कल छुट्टी है, बस चलाकर देख लेना, अगर कोई खराबी हो तो उसे नंदू के गैरेज से ठीक करा लेना, और बच्चों का मामला है, जिम्मेदारी का काम है, होशियार रहना। जी बहुत अच्छा, ये लो गाड़ी की चाबी, और ये लो शर्ट पैंट और टोपी। फिर कह देती हूँ गाड़ी आहिस्ता चलाना। जी मैं बिल्कुल ही आहिस्ता चलाता हूँ। जाओ। मीरू क्या कर रही है?
झूठ कहेगी। मीनू गहने धूल चौड़ी उधर डालूंगी। आप यहाँ कैसे आए? दरवाजा खुला था, चला आया माँ की इजाजत से। कमरा मेरा है, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। जी नहीं, अगर माँ की इजाजत मिल जाए तो आपको यहाँ से उठा के भी ले जा सकता हूँ। बाप रे, बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहाँ खुश क्यों नहीं होगा, बेकार से बाकार हो गया। तो नौकरी मिल गई? कहाँ किस ऑफिस में? ऑफिस वापिस कोई नहीं, और शायद आप सुन के खुश भी नहीं होंगी। क्यों? एक ड्राइवर का छोटा मोटा सा काम मिल गया है। काम कभी छोटा नहीं होता आनंद बाबू, मैं तो सिर्फ उन्हें छोटा समझती हूँ जो खुद कुछ नहीं करते। अपने बाप दादों की कमाई पर गुजर करते हैं और समाज पे बोझ बने रहते हैं। आप तो मेहनत मजदूरी करके गरीबी से लड़ रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। एक बार फिर से कहिए। क्या? कि आप मुझसे देखिए, बहुत जोर से लगा क्या? देखो तो यहाँ कोई निशान तो नहीं है। जरूरी है कि निशान यहाँ हो, तो और कहाँ होगा? आप अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हैं, फूले नहीं, आप एक मामूली ड्राइवर हैं। जी मैम साहब, गुस्ताखी माफ। जल्दी से तैयार हो जाइए, गाड़ी आपके बहुत देर से इंतजार करेगी। अच्छा, गाड़ी लाए हैं? बहुत बड़ी गाड़ी है, फौरन तैयार हो जाइए, वरना माँ की इजाजत लेके आपको जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। चलिए। हाँ तो छोड़िए। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मो सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरे होशियार सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर।